जैन साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही प्रिपरेशन आप लोग के? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी आप गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें एक सब्जेक्ट आप लोग का होता है गणित। गणित ऐसा सब्जेक्ट है कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, और जिनका अगर मैथ्स अच्छा नहीं है और वो उसने एग्ज़ाम पास किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेस बनाने के लिए कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जिसमें आपका सिलेबस गणित दिया हुआ है, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ईजी आपको बनते जाता है, और पूरा मार्क्स आता है अगर अच्छे से उस पर आप मेहनत किए हो। ठीक है, उसी का हम आज बता रहे हैं। और गणित में एक ऐसा तो एक चैप्टर लिए हैं हम लोग का लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि गणित का एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें मैथ्स का सिलेबस हो और उसमें लाभ हानि से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा नहीं होता। अक्सर लाभ हानि ऐसा चैप्टर होता है जहाँ मोस्टली आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाभ हानि चैप्टर के, तो कौन कौन से उसमें फॉर्मूले होते हैं, किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको आप डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है हम लोग का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप लोग का एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है। देखिए, आप नया स्टार्ट करते हैं आज लाभ हानि का। अब लाभ हानि एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आप लोग का मोस्टली बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो किस किस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन आता है, किस टाइप उसको सॉल्व करते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है क्या है भाई, किसी भी संख्या किसी भी वस्तु जो रहते हैं उनको खरीदते हैं, तो जो खरीदते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। और जब किसी वस्तु को बेच देते हैं तो वो कहलाता है आप लोग का विक्रय मूल्य। ये तो हो गया आप लोग का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। लागत, लागत क्या होता है, जिस खर्च पर कोई भी वस्तु निर्मित की जाए, जैसे कि कोई भी वस्तु अगर बना रहे हैं तो उसमें जो खर्चा आएगा तो उसको बोलते हैं लागत। अब देखिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ की कंडीशन होता है, हानि किस कंडीशन में। अगर कोई वस्तु आप खरीदे हो 100 रुपये में और उसको बेच दे हो कितना, 120 रुपये में, तो कंडीशन क्या होगा, 20% का आपको लाभ होगा। उसी के बोला है विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। जब आप कोई भी संख्या वस्तु को खरीदे हो 100 रुपये में, उसको बेच रहे हो कितना, 120 में, मतलब आप लोग जब विक्रय कर रहे हो, विक्रय बड़ा होता है और ये क्रय मूल्य आप छोटा होता है, तब की कंडीशन में आपको क्या होगा, लाभ होगा। और जस्ट इसी के विपरीत में अगर आप ले रहे हो उसको 100 रुपये में और बेच रहे हो किसके, 80 रुपये में, तो हानि होगा आप लोग का 20%। तो उसी का कहलाता है विक्रय मूल्य लेस देन क्रय मूल्य बराबर हानि। ठीक है, अब आता है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का क्या होता है, बराबर की कंडीशन होता है, तब तो क्या, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। अब कुल लाभ क्या होता है, देखिए इसी के जस्ट बताया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, जितना ये बताया था जस्ट 120 में अगर आपके पास 100 में खरीदे हो, 120 में आप बेच रहे हो, तो आपको 20% का लाभ हुआ। उसी को इसमें बोला है कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और कुल हानि किस कंडीशन में होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य की कंडीशन में। ये तो होगा आप लोग का बेसिक बेसिक जानकारी। अब देखिए, क्वेश्चन में जिस टाइप से पूछते हैं उसके लिए आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है। अब लाभ होने की कंडीशन में आप लोग का फॉर्मूला क्या रहता है, जो कुल लाभ होता है उसका 100 से गुना अपॉन क्रय मूल्य। हानि किस कंडीशन में, हानि के कंडीशन में ध्यान रखिए, कुल हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या अपना क्रय मूल्य होता है। अब विक्रय मूल्य, यदि जब सौदा हो रहा है किसी भी वस्तु को बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब लाभ होगा तब उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, और हानि होगा उस कंडीशन में क्या होगा, तो विक्रय मूल्य के कंडीशन में। ठीक है, कोई भी वस्तु को आप बेच रहे हो तो क्रय मूल्य इंटू क्या होगा आपका 100% प्लस लाभ, जितना लाभ हो रहा है उसका। और जब कंडीशन आप लोग का ये तो होगा, लाभ होता है कोई भी वस्तु बेच रहे हो तब की कंडीशन में, जब हानि होगा तब की कंडीशन में आपको फार्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणित ये 100% में जो जितना माइनस हो रहे वो हो जाएगा। अब कंडीशन जब सौदे में लाभ होता है तब क्रय मूल्य में, ठीक है, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 और ये आ जाएगा अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट, तब ये कंडीशन होता है जब लाभ की कंडीशन में। अब देखो हानि की कंडीशन में क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन क्या है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हानि। तो ये आप लोग का बेसिक बेसिक फॉर्मूला हुआ। अब जब लाभ हानि पढ़ते हैं तो क्या है, कुछ अलग अलग जितने भी टाइप के रहते हैं कि कौन कौन से टाइप से आप लोग का लाभ हानि से क्वेश्चन पूछता है, उसी टाइप को हमने इसमें बताया गया है। वही बोला है
लाभ हानि से प्रतियोगी परीक्षा में अभी तक के जितना पूछे गए हैं और ये जो पूछे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसी को हम 12-13 टाइप में आप लोग को डिवाइड करके बताएं किस किस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन बनता है। एक आता है पहला नंबर की बात की जाए साधारण प्रश्न, सिंपल से है कि ले रहा है 100 रुपये में और बेच रहा है 200 रुपये में, तो उसको लाभ कितना हुआ हानि कितना, ये आपको आ जाता है साधारण प्रश्न में, उसके अंतर्गत आ जाता है। अब ये बोल रहा है सेकेंड, बोलो देखिए आप जब कोई वस्तु दो बार बेची, पहले एक पास बेचा उसके बाद सेकेंड फिर से बेच रहे हैं, तब की कंडीशन वाला सेकेंड टाइप हो गया। तीसरे की बात की जाए देखिए, जब कोई वस्तु क्या बार बार बेचती है, बहुत बार, ठीक है एक बार बेचा फिर उसके पास बेचा तो कई बार जब बेचते हैं इस टाइप का देखने को मिलेगा। चौथा आप लोग का क्या बोलता है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तब की कंडीशन में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पांचवा टाइप आपको किस टाइप का देखने का, जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाती है, जैसे कोई अलग अलग सामान है दो वस्तु है और उनका जो मूल्य है वो समान मूल्य में बेचते, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। छठवा टाइप आपको देखिए क्या बोलते हैं, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। अभी देखे होगे इस टाइप का क्वेश्चन कि दिया रहता है कि इसका क्रय मूल्य इस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये आप लोग का छठवा टाइप के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोग का सातवा टाइप, जब ए रुपया में बी वस्तु खरीदता है और बी रुपया में ए वस्तु बेची जाती है, ये जो है एडवांस लेवल का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नंबर 6-7 इस टाइप का जो दिया रहता है इसी टाइप में ही पूछा जाता है। अब बात की जाए आठवें टाइप में, जब ए रुपया में बी के भाव से वस्तु खरीदी जाए और सी रुपया में डी के भाव से बेची जाए, जब क्वेश्चन को आप लोग का हार्ड करना रहता है तब ये कंडीशन 6-7-8 ये इस टाइप का जो टाइप दिख रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। 9 की बात की जाए, जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिल जाए, जैसे कि इस टाइप से अगर कोई वस्तु ले रहे हैं अब उसका वर्तमान रेट पहले से क्या हुआ थोड़ा सा कम हो गया, तो जितना लेते थे उसके अमाउंट में क्या है वृद्धि होता है, तो ये 9वां जो नंबर का टाइप है ये उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। 10वें टाइप में आप लोग का, जब परसेंटेज लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो जाता है तब की कंडीशन में यह 10वें टाइप के अंतर आएगा। 11वां बोलते हैं, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे कि क्रय मूल्य को बढ़ा दिया जाता है विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया जाता है घटा दिया जाता है, तो ये आप लोग का 11वें टाइप के अंतर्गत आएगा। अब इसी में प्रॉफिट लॉस का तो चैप्टर है, लेकिन इसी को किस बेसिस पर पूछ देता है, रेशियो बेसिस पे अनुपात बेसिस पे पूछ देता है, तो ये अनुपात पर आधारित प्रश्न। और जो अलग ही टाइप का जो रहता है उसको अपना मिसलेनियस टाइप का रहता है, विविध के अंतर्गत आते हैं। तो ये 12-13 टाइप का आप लोग का प्रॉफिट से लॉस के अंतर्गत इस टाइप के जो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये आप लोग का बेसिक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये आप लोग का प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत किस टाइप से इसको पढ़ना है। अब जो आगे वीडियो बनाएंगे हम इसी के बेसिस पे नए नए जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से साधारण प्रश्न से लेकर आप लोग का विविध टाइप का, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशन भी बताएंगे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।